अभी तक बस सुख हुआ है। शिव जी बड़े वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। शिव जी को भगवान की कथा में विश्राम मिलता है, बुद्ध विश्राम। भगवान शंकर जी ने सती से कहा कि आप भगवान की परीक्षा लेने को जा रही हैं, लेकिन अच्छा नहीं कर रही है, केवल विचार रहेगा, विवेक नहीं। अगर विवेक होता तो भगवान के पास जाती ही नहीं, यहीं से प्रणाम कर लेती जिसे मैंने किया था। पर सती जी नहीं मानी, भगवान की परीक्षा करने के लिए चल गई। सती जी भगवान के आगे आगे जा रही थी। भगवान ने देखा कि सती जी आ गई है मेरी परीक्षा लेने के लिए। चलेंगे सती से वाई दुहाई, करेंगे विचार करो भाई। मन में विचार करने लगी क्या करना। सती जी बार बार विचार करेंगे, माता सीता जी का रूप बनाया और भगवान श्री राम जी के आगे आगे चले गए और माता सीता जी की महिमा क्या है भक्त लोग जानते हैं। माता जानकी जी की कृपा जिस पर हो जाए, श्री सीता जी की निर्मल बुद्धि है और निर्मल बुद्धि की पहचान है कि जिस बुद्धि में भगवान के ज्ञान का स्थान हो वह बुद्धि पवित्र, और जिस बुद्धि में भगवान के ज्ञान के स्थान पर अभिमान बैठा हो वह बुद्ध अपवित्र है। सती जी ने सीता जी का रूप बना करके भगवान श्री राम जी के आगे आगे चलने लगी। भगवान ने कहा, वाह सती माता, रूप तो बहुत बढ़िया बनाया, क्योंकि विचारवान व्यक्ति भी धोखा खा जाएगा। लेकिन बड़ा सुंदर संकेत है कि सती जी ने सीता जी का रूप तो बना लिया, पर सीता जी की तरह चलना तो नहीं है। भगवान ने कहा कि अगर सीता जी का रूप बनाया भी था तो राम जी के पीछे पीछे चलना था, पर सती जी तो राम जी के आगे आगे जा रही हैं। रूप तो बहुत बढ़िया बनाया है कि विचारवान व्यक्ति भी धोखा खा जाएगा कि अब सती जी हैं कि सीता जी हैं। बोले कैसे पता लगेगा, बोले बेस से पता नहीं लगता कि अब सती जी हैं कि सीता जी हैं। रूप तो सीता जी का ही बनाया था, पता तो बेस से नहीं भेद से लग जाता है। तो मलिन बुद्ध वाले लोग रूप तो निर्मल बुद्ध वालों का ही बनाते हैं, पर सती जी को सीता जी की तरह चलना नहीं आया। क्योंकि अगर सीता जी होती तो राम जी के पीछे पीछे चलती, पर सती जो राम जी के आगे आगे चली जा रही है। कभी कभी ऐसा होता है, भगवान ने कहा कि
स्वभाव तो बहुत बढ़िया है कि जब हमें कोई पीछे छोड़ देता है तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। किसी ने कहा कि पीछे क्यों पड़ जाते हो? जब तक हमारे स्वरूप का सत्य साक्षात्कार न कर ले तब तक हम उसके पीछे पड़े रहते हैं। चाहे जितने भी आगे बढ़ करके देखे कहां नहीं है हम। सती जी आगे आगे जा रही है, भगवान सती जी के पीछे पीछे लग गए हैं। कई बार ऐसे लोग आगे बढ़ जाते हैं। एक बार किसी के बारे में सुना गया था, बड़ा प्रसिद्ध धावक था। जब दौड़ प्रतियोगिता होती तो सबसे आगे निकल जाता। एक दिन रात्रि को घर में चोर घुस आया, खटखटाहट की आवाज हुई। उन्होंने चोर के पीछे लग गए और दौड़ते दौड़ते दूसरे गांव में पहुंचे तो गांव वाले जग गए। बोले, ये कौन सा समय है, रात्रि के 12 बजे रहे हैं और तुम दौड़ रहे हो। बोले, चुप कर, हम तो सो रहे थे। बोले, फिर क्या हुआ? बोले, खटखटाहट की आवाज हुई, मैं जगा, चोर को देखा, चोर भागा आगे में पीछे। लोगों ने कहा कि बड़ा अच्छा, दौड़ने में इतना बड़ा नाम और एक चोर को नहीं पकड़ सके। वो बोला, पकड़ने की बात करते हुए 2 मील पीछे छोड़ करके आए हूं। तो कई बार ऐसे लोग आगे बढ़ जाते हैं, जो पकड़ना था वो पीछे छूट गया। और सती जी को लगा कि हम आगे बढ़ गए, पर ऐसे आगे बढ़ने वालों के तो पीछे भगवान पड़ जाते हैं। राम जी ने सोचा कि सती जी परीक्षा देने आई तो परीक्षा दे देनी चाहिए। तो प्रभु ने यही किया कि जो दीपान प्रभु Thank you.
श्री राम जी ने कहा कि भगवान शंकर कहाँ है, विपिन अकेले थिरे गए हैं, तो बन गई अकेले भ्रमण कर रही हो, भगवान शंकर कहाँ है। अब तो सती माता की दुर्दशा हुई, सती जी ने समझ लिया कि भगवान ने पहचान लिया, सती जी को दुख हुआ, सती माता ने आंख बंद कर लिया, नैन मोद बैठी मगमाई, आंख को मोद करके बैठ गई। लेकिन आंख बंद करने से भगवान का दिखाई देना बंद नहीं होगा, जब आंख खोलोगे तो फिर वही दिखाई देगा, और जैसे ही आंख खोली तुरंत भगवान दिखाई दे। इसका अर्थ है कि अभिमानी व्यक्ति के निश्चय विरुद्ध यदि सत्य दिखाई देगा तो ऐसे सत्य से तो आंख ही मूंद लेगा। सती जी ने आंख खोली तो जहां चितवाया तहां प्रभु वासी, कभी अलग नहीं हुए। ये तो शंकर जी ने उस दिन देख लिया था कि ये तो माया है, श्री सीता राम जी कहिए तो भिन्न न भिन्न, श्री सीता राम जी तो कभी अलग नहीं हुए। बाणी और बाणी के अर्थ की तरह, जल और जल के तरंग की तरह, जिसे दो नहीं है, वैसे श्री सीताराम जी दो नहीं है, वो तो ये गए जिनमें योग ही नहीं उनमें वियोग कैसे। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुखता के। ये तो शिव जी ने उस दिन पहचान लिया था कि श्री सीताराम जी तो ये गए, पर सती जी ने आज देखा ये तो अभिन्न है। सती जी लौट आए, लौट करके आकर के शिव जी के पास पहुंची तो शिव जी ने पूछा कि सती जी कुशलता तो है। सती जी ने कहा कि प्रभु आप कुशलता क्यों पूछ रहे हैं, बड़े किस विधि से परीक्षा ली, भगवान की परीक्षा लेने के बाद हमें कुशलता से है। तो सती जी झूठ बोल गई, सती जी कहने लगी कि कछु न परीक्षा I'm not afraid.
करने गई थी, परीक्षा लेने नहीं गई थी, तो वहीं से प्रणाम कर लेती जहां से मैंने किया था। पर सती जी भगवान से झूठे बोल गए। शिव जी ने कहा कि तो हमारी तरफ प्रणाम नहीं हुआ। उसके बाद में तब शंकर देखे उधर ध्याना सती जो की चरित्र सब जाने। शंकर जी सब जान गए। शिव जी के मन में बड़ा दुख हुआ। शिव जी परम गंभीर है। शिव जी कुछ नहीं कहा। जानने के बाद में भी शिव जी सती जी से कुछ नहीं कहते। ये भी नहीं कहा कि हम जानते हैं और हम जैसे जीवों का यह है कि बिना बताए ही कह देते हैं कि हमें सब पता है। हमसे कुछ नहीं छिपा सकते, हम सब जानते हैं। पर शिव जी जानने के बाद भी सती जी ने यह नहीं कहा कि आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। शिव जी समझ गए कि सती जी तो माध्यम है, खेल तो कोई और खेल रहा है। कौन कि बबुरी राम माये सिर बबुरी राम माये सिर सती जही सोचते हैं। शिव जी को कष्ट है कि सती जी ने भगवान की परीक्षा ले ली गई। ये तो पाप हो गया, ये तो अपराध है। क्या करूं? शिव जी मन ही मन सोच रहे हैं, जब जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तब शिव जी ने उपाय बताया कि तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा सुमरहिं राम हृदय से आवा। जब कोई रास्ता नहीं मिला तब शिव जी ने भगवान का स्मरण किया और रास्ता मिल गया। आप सभी लोगों ने देखा होगा श्री वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को सोप में बिठा करके जा रहे थे। यमुना जी ने रास्ता रोक लिया। यमुना जी अध्यात्मिक गुरु तो क्या है उनका, कभी निषेध में कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदन वरणी। वसुदेव जी का रास्ता रोक लिया। ये धर्म व्यवस्था ही यमुना जी है, कर्म की धारा ही यमुना जी है। तो कभी कभी कर्म की धारा धर्म का रास्ता रोक देते हैं, उसका अर्थ नहीं होता। यमुना जी बढ़ने लगी, श्री वसुदेव जी आगे को बढ़ते गए। किसी ने कहा कि आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हो, धारा अनुकूल है, प्रतिकूल है, देख नहीं रहे हो,
देव जी ने उत्तर दिया कि मैं इस धारा को नहीं देख रहा हूं, मैं तो उसी का चिंतन कर रहा हूं जिसको सिरोधार्य ने किया है। और क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने पांव को जैसे यमुना जी में बढ़ाया वैसे यमुना जी शांत हो गई। तो कभी कभी कर्म की धारा धर्म का रास्ता रोक लेता है। जब जब उपोह की स्थिति हो जाए तो भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान शिव जी, भगवान श्री राम जी का चिंतन करने लगे और यही रामचरितमानस का सत्य है। शंकर जी भगवान का स्मरण किया और रास्ता साफ हो गया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि यही दान सत्य ही भेंट मोही माही, यही दान सत्य ही भेंट कि हम भले ही सामने वाले से झूठ बोल जाएं पर
सामने वाले से यही आशा रखते हैं कि वो हमसे सच्चाई बता दे। सतीन जी, शिव जी से झूठ बोलेंगे तो कोई बात नहीं, पर शिव जी से कहते हैं कि प्रभु सच्ची बात बताइए, कौन सी प्रतिज्ञा ठानी है? ऐसे तो ईमानदार चोर भी होते हैं, चोर भी ईमानदार होते हैं, चोरी बेईमानी से करते हैं, और बंटवारे में ईमानदारी से कहेंगी कि भाई बंटवारा बराबर से करें, क्योंकि हम भी सम्मिलित से चोरी कर लेंगे। तो ऐसा सत्य किस काम का? दूसरे के लिए बेईमानी, अपने के लिए ईमानदारी। सती जी शंकर जी से झूठ बोल गई कोई बात नहीं, पर शिव जी से कहते हैं कि सच्ची बात बताओ, पर शिव जी ये नहीं कहते कि जैसा व्यवहार आपने किया वैसा हम भी करेंगे। अब शिव जी की समस्या है, प्रतिज्ञा तो की है पर यह कह नहीं सकते, और कह देंगे तो सती जी झूठ, सती जी को दुख होगा, और सत्य कहेंगे तो क्या झूठ बोले? तो शिव जी ने तीसरा मार्ग निकाला, सत्य कहे नहीं और झूठ बोले नहीं। तो शंकर जी कहने लगे कि सती जी मुझे एक कथा याद आ गई, और शिव जी कथा सुनाना शुरू कर दी, और शिव जी कथा सुनाए तो एक दो दिन की हो ही नहीं सकती, थोड़ी देर की हो ही नहीं सकती, क्योंकि कथा सुनाने का उद्देश्य तो कुछ और था। प्रभु शिव जी ने एक तरह की कथा नहीं सुनाई, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि बरनत पंथ, बरनत पंथ पे बैठ इतिहासा, कैलाश पर्वत पर पहुंचे, पर सती जी ने कहा कि अब यहां आपकी नहीं चलेगी, यहां हमारी चलेगी। पर शिव जी ने भी यहां युक्ति का काम किया। शिव जी ने क्या किया? शिव जी क्या करते हैं कि तहने संभोसा मुझे बोने तुष्टा अपने आप में
पूर्णता का अनुभव करते हुए विराजमान है देव आदि देव महादेव। सती जी समझ गए कि शिव जी ने हमारा त्याग कर दिया, आचरण से सूचना लिया। अब सती जी को लगा कि प्रभु मोहित जो हृदय में खुला है, अत्यंत व्याकुल होने लगी सती जी। शिव जी समाधि से जागे, राम राम स्मरण किया। सती जी दर्शन के लिए गई, जाए स्तंभ पर बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। अपने बगल में सती जी को आसीन कराया। अब सती जी निश्चिंत हो गए कि भगवान देव आदि देव महादेव ने हमारा त्याग कर दिया। उसी समय देवता विमान से होकर के जा रहे थे, बैठ करके दक्ष प्रजापति के यज्ञ में। अब सती जी ने कहा कि ये कौन है, कहां जा रहे हैं? देखो रेलगाड़ी का मार्ग निश्चित है कि पटरी छोड़ करके इधर उधर और नहीं सकती। मोटर कार वो भी इधर उधर हो सकता है, दाएं बाएं होकर के नीचे होकर के जा सकते हैं, क्योंकि भले ही मार्ग निश्चित हो पर देवता विमान वहीं से निकलते हैं जहां पर शिव जी और सती जी बैठे हैं। आप विचार करना कि देवता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जा रहे थे निमंत्रण में, तो अपने विमान वहीं से निकाले जहां सती जी और शिव जी हैं। बड़े घूम कर भी चले जा सकते थे पर वहीं से निकाले। अच्छा निकल भी रहे थे तो चले जाते, लेकिन सुर सुंदरी कर ही कलगाना, सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना, देवांगना ही गीत गाते हुए जा रहे हैं जिनकी ध्वनि नीचे तक सुनाई दे रही है। क्यों? ये मन की दुर्बलता का लक्षण है, पर पीड़ा रहती है। अनुभव किया होगा किसी के यहां जब कोई निमंत्रण देता है और उसके घर नहीं देता है जो उसका संबंधी हो, जब उसे निमंत्रण नहीं मिलता और कोई खास रिश्तेदार हो और अगर उसे निमंत्रण नहीं मिला है, तो जिसको निमंत्रण मिला है वह उसके घर जरूर जाएगा, बोलेगा चलोगे नहीं? वो कहेगा नहीं हमें नहीं जाना, वो कहेगा नहीं चलो, वो कहेगा कि हमें जाने का मन नहीं है। वो लेकिन जानता है कि निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन उसी के मुख से कहलवा लेगा कि कह दो निमंत्रण नहीं मिला। ये देवता भी इसी मानसिकता से गए थे। इन्हें खूब पता है कि भगवान शंकर और सती को निमंत्रण नहीं मिला। सती जी ने कहा कि लोग कहां जा रहे हैं? शिव जी ने बताया कि तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति जी यज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में जा रहे हैं। सती जी ने कहा कि आप नहीं जा रहे हो। शिव जी बोले कि चलता तो जरूर पर निमंत्रण नहीं मिला। तो सती जी बोली तो माता पिता के यहां भी निमंत्रण की अपेक्षा रखनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, लेकिन
कि तदपि विरोधी मान जहां Oh,
सदा सुर जपन सदा रघुनायक नामा जपन सदा रघुनायक नामा जपन सदा रघुनायक रहते हैं। हम लोग सरिता का दर्शन करते हैं, तीर्थों में जा करके तो नदी के दो पुल होते हैं, एक पुल का नाम अनुकूल, दूसरे का नाम प्रतिकूल। शिव जी भगवान श्री राम जी का ध्यान करते हैं, भाव से दो बार भगवान वहां से जुड़ते हैं। प्रेम से बोलिए राम जी सरकार की, जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख काली के भी डर से ना डरना।
गुणवान है, ज्ञानवान है, तो हमें क्या करना चाहिए कि ग्रह का आधार छोड़ ममता से मुख मोड़, ग्रह का आधार
एक कामना ही व्यक्ति को समाप्त कर देती है। इसी तरह आप तो हैं आनंदित स्वरूप, पर इतने काम है कि काम के कारण बैठ नहीं पाते। एक संत कहा करते हैं कि चाहे पैसे से आनों में आना, चाहे पैसों से आनों में आती रही, चाहे आनों से रुपया बुनाती रही, चाहे रुपया से नोटों में आती रही, चाहे नोटों से कोठी बनाती रही, चाहे कोठी में मोटर मंगाती रही, चाहे मोटर से होटल में जाती रही, चाहे मोटर में बोतल खुलाती रही, चाहे जल से लगी जरमा में, चाहे जल से लगी जी जरा हो गया, चाहे हर से लगी जी हरा हो गया, और चाहो उनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर वो चाहे तो क्या चाहिए। ये कामना ही किसी को बैठने नहीं देती, ये काम ही समाधि भंग करने के लिए जाता है। अब काम के पांच बाण हैं, अस्त सुर ने की निकित हेतु प्रगटे विषम भान जस केतु। अगर देखा जाए तो कामना पांच से ही है, और ये पंच विषय रूप रस गंध स्पर्श, ये कामना इन्हें पांच से जुड़ी है, या तो रूप से, या तो रस से, या तो गंध से, या तो शब्द से, या फिर इस स्पर्श से। सारे संसार में ये पंच ही परपंच है, ये काम का पांच बाण है, और कब कौन सी कामना उत्पन्न हो जाए, किसी के ऊपर आ जाए, कौन सी वासना उत्पन्न हो जाए, किसी को पता नहीं चलता। एक अद्भुत बात, अगर काम ने आक्रमण किया तो आम की वोट में छिप करके भगवान शिव के ऊपर आक्रमण किया। देखो सामान्य को भी हम लोग आम बोलते हैं और विशिष्ट को खास कहते हैं, तो काम जब आक्रमण करता है वोट तो आम की ही लेता है, लेकिन जो आम में छिपा हुआ है वो विशिष्ट है, वो ही खास है। तो काम जो शिव जी के ऊपर आक्रमण करता है लोग उस आम में छिपे हुए काम को नहीं देख पाते हैं, पर शिव जी कि सौरभ पल्लव, सौरभ पल्लव मगन बिलोका, भलव को पसंद कि तीसरा नेत्र तो मध्य में है, दहनानुकूल वायु प्रतिकूल, अनुकूल से राग प्रतिकूल से द्वेष, ऐसी ज्ञान दृष्टि से जो राग से उत्पन्न हो प्रभावित नहीं हो, दृष्टि से प्रभावित नहीं हो, वो कामना के खुलते ही अपने आप जल करके दग्ध हो जाती है। मध्य में जो ज्ञान दृष्टि है उसके खुलते ही कामना अपने आप दग्ध हो जाती है, समाप्त हो जाती है। शंकर जी के द्वारा ये काम का रहस्य है, काम रहस्य का दहन हो है, पर रति आई, रति ने शंकर जी से वरदान लिया, शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि कृष्ण तनय हो पति तोरा।
वो सभी देवता गए ब्रह्मा जी के पास, बोले काम बिगड़ गया। ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ? देवताओं ने बताया कि शिव जी ने काम को जला दिया। हम लोग तो उन्हें जगा रहे थे विवाह करने के लिए, पर शिव जी ने काम को ही जला दिया। अब विवाह करेंगे कैसे? ब्रह्मा जी बोले चलो वहीं चलते हैं, देवताओं को लेकर के आए। धन्य है देवादि देव महादेव, प्रसन्न हो गए। और बोले क्या कि बोले हैं कृपा तब तक राम जी की इच्छा।
और जब जीवन का अंतिम चरण आएगा, अंतिम क्षण आएगा और कह देगा कि अब पूछेगा तो बोले कह देंगे कि राम जी की इच्छा से चल रहे हैं, कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम Oh,
की यह प्रश्न है बड़े ही सरल है, श्रद्धा से भरे हुए हैं। पार्वती माता ने भगवान से प्रश्न पूछा, भगवान ने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। भगवान क्यों प्रकट हुए? फिर राम जन्म तदंतर राम जी की बाल लीला, राम जी का विवाह, राम जी का वनवास, रावण आदि राक्षसों पर उनका विनाश करके राजपद पर आसीन हो करके अवध में होने वाली लीलाओं का सभी का वर्णन किया, किंतु एक प्रश्न का वर्णन नहीं किया कि प्रजा सहित रघुवंश मन किम गवने निज धाम। श्री राघवेंद्र जी प्रजा के साथ अपने धाम को कैसे गए, इसी का वर्णन नहीं किया। और अगर शिव जी ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो पार्वती जी को पूछना चाहिए था कि प्रभु मेरा एक प्रश्न रह गया है, आपने इसका उत्तर नहीं दिया। शिव जी ने पूछा, पार्वती जी ने पूछा नहीं, शिव जी ने बताया नहीं। इसका भाव है कि अपने धाम को जाए वो जो वहां ना हो। और राम जी राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तो मोह निशा लवलेशा, राम तो ब्रह्म है, ब्रह्म में आना जाना नहीं होता। कि राम ब्रह्म चिन्मय विनाशी सर्वरहित सब पुरवासी, ब्रह्म में आना जाना नहीं है। वो जो वहां है वो यहां है, आना जाना तो उसमें होता है जो यहाँ है और वहां नहीं है, जो वहां है वो उसमें आना जाना कहां संभव है। अपने धाम को जाए वो जो वहां ना हो और अपने धाम से आए वो जो यहां ना हो। भगवान तो हर जगह व्याप्त है, इसीलिए राम जी के आने का वर्णन नहीं किया गया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, प्रकट हो गए, व्यक्त हो गए। अब तक जो दिखाई नहीं देते थे अब वही दिखाई देने लगे। भगवान ने कहा आना जाना रहता है, इसीलिए भगवान के आने का वर्णन नहीं किया गया। और यही कारण है कि जब भगवान से अवतार लेने के लिए दिव्य संतों ने, ऋषियों ने, सिद्धि महात्माओं ने प्रार्थना की तो विशेष स्थान पर गए नहीं, वरन झगड़ा शुरू हो गया। गुरु वैकुंठ जाने कहीं कौन कह पाए नि दिपस प्रभु सोई। कोई कह रहा था कि भगवान क्षीर सागर में मिलेंगे, तो कोई कह रहा था कि भगवान वैकुंठ में मिलेंगे, वैकुंठाधिपति हैं। कोई कहे क्षीर सागर में मिलेंगे वहां चलो, कोई कहे वैकुंठ में मिलेंगे वहां चलो। अब एक दल हो तो दल और दो दल हो तो दल दल, और दल दल से निकलना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। अब वैकुंठ वाले कहे कि वैकुंठ में मिलेंगे, क्षीर सागर वाले कहे कि क्षीर सागर में मिलेंगे। अब एक बात बताओ, अब इतने लोग इकट्ठे हैं, इसमें एक व्यक्ति खड़ा होकर के कह दे कि यहां हमारे ही चले तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अगर कहे कि यहां हमारे भी चले तो समस्या समाप्त। इसीलिए वैकुंठ वाले अगर कह दे कि वैकुंठ में भी मिलेंगे तो समस्या समाप्त।
लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वैकुंठ में ही मिलेंगे, क्षीर सागर में ही मिलेंगे। पर ये लोग भी की जगह ही लगाए हुए हैं, वैकुंठ में ही, क्षीर सागर में ही। ही लगाने से झगड़ा शुरू और भी लगाने से झगड़ा समाप्त। मंदिर में भी भगवान है और मंदिर के बाहर भी भगवान है। जैसे व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान सभी जगह है। कौन सी ऐसी जगह नहीं जहां भगवान है? सत्य दोनों बोल रहे हैं कि वैकुंठ में भी है और क्षीर सागर में भी है। पर ये सत्य अखंड सत्य है। एक कहानी से बात स्पष्ट हो जाएगी। एक अंधों का गांव था, श्री कबीर दास जी की कल्पना है। सभी सूरदास नेत्रहीन लोग रहते थे। एक दिन गांव में हाथी आया, घंटी बजने की आवाज सुनाई दी, टन टन। सभी लोग दौड़े महावत से, बोले कि हाथी देखेंगे, हाथी देखेंगे। महावत बोला, आप लोगों की तो आंख है नहीं, देखोगे कैसे? तो अंधों ने कहा कि आंख नहीं पर हाथ तो है, बोले हाथ से देखेंगे। महावत ने हाथी खड़ा कर दिया, कुछ अंधों ने हाथी के पांव पकड़ लिए, कुछ अंधों ने हाथी की पूंछ पकड़ ली, कुछ अंधों ने हाथी का सूंड पकड़ लिए, कुछ अंधों ने हाथी का कान पकड़ लिए, कुछ अंधों ने हाथी के पीठ पर हाथ रख दिया। महावत बोले, हाथी देख लिया? अंधे बोले, हाँ देख लिया। अब महावत तो हाथी लेकर के चला गया, पर अंधों में झगड़ा शुरू हो गया। पांव पकड़ने वाले कह रहे हैं कि हाथी बोले खंभे की तरह होता है, सूंड पकड़ने वाले कह रहे हैं कि गलत है, हाथी पेड़ की तरह होता है, नीचे से पतला ऊपर मोटा और खुरदरा होता है। कान पकड़ने वाले कह रहे हैं कि अनाज साफ करने की तरह सूप की तरह होता है। पीठ पकड़ने वाले कह रहे हैं कि गोल चबूतरे की तरह होता है। अब एक दल है तो दल, अब सभी का दल अलग अलग हो गया। पांव पकड़ने वालों का दल अलग, पूंछ पकड़ने वालों का दल अलग, सबका दल अलग अलग है। कुछ अंधों के साथी मौजूद नहीं थे, उन्होंने जब आया तो देखा तो बोला कि हम लोग कितने आनंद से थे जब हमारे गांव में हाथी नहीं आया था, और जब से हाथी आ गया हमारे सबके जीवन में समस्या उत्पन्न हो गई। फिर हाथी आया, घंटी की आवाज सुनाई दी, अंधे दौड़े, बोले हाथी देखेंगे। महावत ने कहा उस दिन नहीं देखा, बोला हाँ। कान पकड़ने वाले बोले सूप, अनाज साफ करने वाले सूप की तरह होता है कि नहीं? महावत बोला वैसा भी है। पूंछ पकड़ने वाले ने कहा कि लाठी की तरह नीचे बाल लगे होते हैं, ऐसा होता है कि नहीं? महावत बोला वैसा भी है। पांव पकड़ने वाले बोले खंभे की तरह होता है, महावत बोले वैसा भी है। तो अंधे बोले क्या तुम दोबारा हाथी लेकर के आए थे क्या? महावत बोला नहीं, लाया तो एक ही था। बोले फिर अनेक क्यों है?